did not know anything. मैंने बस Google पे उनका नाम सर्च किया था. मुझे लगा हाँ होंगे कोई, इतना मुझे आइडिया नहीं था. पर सर ने मुझे कहा था कि वो वहाँ के एकदम सलमान खान टाइप से. बट व्हेन आई वेंट ऑन फ्लोर्स विद हिम एंड व्हेन आई सॉ द क्राउड एंड पीपल वर मैड. लड़कियाँ रो रही है, हाँ उनके नाम के टैटूज बनाए गए हैं. अच्छा. और केसारी भैया, केसारी भैया सब चिल्लाने लगते हैं. स्टार्टेड व्हेन आई वाज व्हाट 2 और 3 इयर्स ओल्ड. आई डिड माय फर्स्ट एड फॉर दिस बेबी जॉनसन्स. Then I was a model for Pantaloons like 2-3 years. Like not just any Bhojpuri movie. This is in fact a very larger than life kind of a movie for the Bhojpuri industry. Lagti to main hi hu. Complete change. Bani Parvati, Parvati bani tu. Ab aisa hi hota hai. But I hope you guys like the look. Something different. It is very beautiful. Thank you so much. Kya karne wali hai is film ki? धमाल मचाने वाले हैं. यू गाइस विल लव द स्टोरी लाइन एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी नाइस सिंपल स्वीट काइंड ऑफ अ गर्ल. बट लव स्टोरी भी इसमें इन्वॉल्व है एंड फौज की स्टोरी है. तो आई थिंक यू गाइस विल लाइक इट. आप ऐसी हैं, नाइस सिंपल स्वीट. मैं ऐसी ही हूँ बस थोड़े. हाँ झूठ तो नहीं बोलने कैमरा. नहीं मैं झूठ नहीं बोलती. दिस इज योर फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म? नो भोजपुरी. या भोजपुरी. या या. सो हाउ इज इट वर्किंग विद खेसारी लाल? It was amazing. He is superb and बहुत he is full of energy. I don't know the language, तो बहुत मुझे अब तक उसका काम चालू है. But I was speaking in Hindi. But बहुत मज़ा आया and the whole cast, the whole crew, everyone was really nice to me. Yeah. तो इससे पहले भोजपुरी के बारे में कुछ सुना था आपने? How you entered into भोजपुरी? Well, I never knew that I would do something like this because I thought कि अब सिर्फ Bollywood ये वो. But then Roshan sir is very close friend of mine and he really told me to do this and give it a chance. So I thought why not. So that's why. Kaisa laga? Aapko pata tha Khesari Lal Yadav is such a mujhe kuch nahi pata star in Bhojpuri. To kab realize hua? I did not know anything. Maine bas Google pe unka naam search kiya tha. मुझे लगा हाँ होंगे कोई, इतना मुझे आइडिया नहीं था. पर सर ने मुझे कहा था कि वो वहाँ के एकदम सलमान खान टाइप से. बट व्हेन आई वेंट ऑन फ्लोर्स विद हिम एंड व्हेन आई सॉ द क्राउड एंड पीपल वर मैड, इट वाज क्रेजी. तो तब मुझे लगा हाँ वो है सुपरस्टार. ऐसा वाकया हुआ कुछ सेट पे? कहीं कुछ क्रेजी फैंस? लड़कियाँ रो रही है, हाँ उनके नाम के टैटूज बनाए गए हैं. अच्छा. और केसारी भैया, केसारी भैया सब चिल्लाने लगते हैं. तो इट वाज रियली समथिंग आई हैव नेवर सीन बिफोर. या रोमांस होगा आपके और केसारी के बीच? होगा होगा. अच्छा, हाउ यू स्टार्टेड? मतलब हीरोइन बनना ही था पहले? हाँ 100% बचपन से हीरोइन बनना था. हाँ बचपन से लगता था बहुत सुंदर हीरोइन बनूं. मैं तो हूँ सुंदर. बट आई स्टार्टेड बिकॉज आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज व्हाट 2 और 3 इयर्स ओल्ड. आई डिड माय फर्स्ट एड फॉर दिस बेबी जॉनसन्स. देन आई वाज मॉडल फॉर पैंथलून्स लाइक 2-3 इयर्स. तो वहाँ से माई जर्नी स्टार्टेड एंड वट एवर आई डिड आई नेवर डिड अ साइडी थिंग और एनीथिंग लाइक दैट. आई ऑलवेज डिड द फ्रंट वन एंड द फीमेल लीड वन. दैट्स व्हाई. एंड देन व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड? I did my first movie with Sunny Deol, Ghayal once again. Yeah, I was like 13-14 years old. Then I did this show called Parvarish. Then I did Bahu Begum, which ended in 2019. तो उसके बाद फिर music videos ये वो चलता रहा. Sunny Deol के साथ how was the experience? How was he? गदर जैसे हैं एकदम, तारा सिंह जैसा? No, actually no. He is very calm. बहुत शांत है वो. और मैंने उनको कभी चिल्लाते हुए सेट पे देखा ही नहीं. दो ही वॉज डायरेक्टिंग द मूवी, ही वॉज डायरेक्टिंग हाइल वंस अगेन. तो बहुत शांत और बहुत बबली और बहुत अच्छा सेट का एनवायरनमेंट था. तो इट वॉज गुड फॉर अस. या डिफरेंस क्या लगा बॉलीवुड में टीवी? नहीं कोई डिफरेंस नहीं. हर जगह मेहनत है, हर जगह सब प्यार से रहना चाहते हैं और हर किसी को कुछ बड़ा बनाना है. तो आई थिंक सब में वो बस एक यू नो एक्साइटमेंट रहता है टू डू समथिंग बेटर एंड आई फील वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट. अच्छा, इसको बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म? आई नो. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसे ज़्यादा लगे होंगे ना, इसलिए कहा जा रहा है. नो बट आई थिंक द वे वी शॉट, जो जितना पैसा गानों में लगा है, जो रिचनेस है हमारे कॉस्ट्यूम्स में, हमारे लोकेशंस में, इट वॉज वेरी लार्ज. लाइक नॉट जस्ट एनी भोजपुरी मूवी. दिस इज इन फैक्ट अ वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ मूवी फॉर द भोजपुरी इंडस्ट्री. होपफुली आप भोजपुरी में आई हैं तो लार्जर देन लाइफ बना दिया आपने. इसी तरीके से जो है चीजें चलती रहें. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. किसी और फिल्म के साथ इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय गाइस.